नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजशेखर है और मैं हैदराबाद तेलंगाना से। दिल्ली में बैठे हजारों किसानों को अपना समर्थन देने के लिए मैंने एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजन किया है। देश भर के लोगों से मेरे ये विनती है कि वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हो। मैंने मेरे गेट के फाटक पर नारा प्रदर्शित किया है, हमारा परिवार कृषि कानून 2020 का विरोध करता है। इसी तरह तेलुगु में भी मैंने नारा प्रदर्शित किया है। आम आदमी जब ये कानून लागू होता है तो उसके सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वो काफी महंगे दामों में मिले। दिल्ली की सरकार कहती है कि दिल्ली में जो बैठे किसान है वो मुक्ति भर है, लेकिन हमें ये दर्शाना है कि देश भर का हर नागरिक, हर राज्य का, हर जिले का, हर तालुक का, हर घर का आदमी ये चाहता है कि ये कानून लागू ना हो। अगर आप भी चाहते हैं कि ये कानून लागू ना हो, अपने घर के सामने ये नारा प्रदर्शित कीजिए। इससे ये हो जाएगा कि जिस घर में, मान लीजिए मेरे घर में अभी 5 वोट है, मैंने ये नारा दर्शाया, अगर मेरा ये सीधा सीधा चेतावनी है सरकार से कि अगर आपने ये कानून वापस नहीं किया तो आपको मेरे घर से 5 वोट गए। अगर हर घर में ये नारा प्रदर्शित होता है, हर घर में, या मान लीजिए 20 या 25% घरों में ये नारा लग जाता है, तो कानून अपने आप हट जाएगा। क्योंकि दिल्ली की सरकार कहती है दिल्ली में बैठे किसान जो है वो मुट्ठी भर है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, तो हमें किसान के साथ खड़ा रहना है, अपना समर्थन जो है किसान को देना है। हम अपना समर्थन इस तरह दे सकते हैं, हमें अपना पोस्टर एक हर कोई इस नारे के साथ अपने घर के सामने लगाए और ये प्रदर्शित करे कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और इस बिल का विरोध करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को घटते हुए नोट नजर आएंगे। जैसे जैसे ये बैनर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनके घटते नोट वोट जो है उनको नजर आने लगेंगे और तब जाके वो इस कानून को वापस लेने में विवश हो जाएगी। धन्यवाद। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हर आदमी, देश के हर कोने के, हर राज्य के, हर जिले के, हर गांव के आदमी अगर ऐसा नारा अपने घर के सामने लगाए और ये दर्शाए कि हमारा वोट जो है आपको पार्टी को नहीं आने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी जरूर सोचेगी और इस कानून को, इस काले कानून को जरूर वापस लेगी। धन्यवाद।